भिदुड़ी भी चंद्रयान पर बात रख रहे थे अपनी, तो उन्होंने बीच में टोका, तो इस वजह से इसी बस यही कारण के ऊपर ये नए भारत के नए सदन की नई तस्वीर है। महिला रिजर्वेशन बिल था पहले दिन, और दूसरे ही दिन भारतीय जनता पार्टी के रमेश भिदुड़ी ने अपना चरित्र दिखा दिया, दर्शा रहा है बीजेपी की मानसिकता को, मुसलमानों के खिलाफ कट्टरता को दर्शाता है। रमेश भिदुड़ी का सस्पेंड चाहते हैं। ये बात कुछ नहीं है, बात यह है कि मोदी चाचा बैठे हुए ताकत में, समझ रहे ना। अब मोदी चाचा ये चाहते हैं कि उनका जो बात है, जो भाजपा का जो होता है ना, एक जो सड़क पे जैसे जो आम जनता जो बोलती है, जो भाजपा के संघी माइंडसेट के लोग बोलते हैं, वही चीज सदन में आ जाए। अगर जो सड़क पे जो गली कूचे के जो लौंडे बोलते थे, अगर वो बात सदन में बोली जा रही है एक सांसद के द्वारा, जाहिर से बात है कि गली कूचे में जो मॉब लिंचिंग होती है, सड़क पे जो मॉब लिंचिंग होती है, तो क्या आप उसको भी पार्लियामेंट में करवाओगे मॉब लिंचिंग? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। जिस तरीके से सदन में एक सांसद ने दूसरे सांसद को गालियां दी, अभद्र बातें कही, वो कैमरे पर हमारे लिए बताना हम नहीं बता सकते क्योंकि वो बताने लायक नहीं है, लेकिन उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है और यहाँ पर DU में छात्रों में भी इस बात का गुस्सा है और वो गुस्सा दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग ये है कि तुरंत एक्शन लिया जाए और सस्पेंड किया जाए, लेकिन आप मांग कर रहे हैं सस्पेंशन की, लेकिन बीजेपी की IT सेल और नेता सभी रमेश भिदुड़ी के समर्थन में उतर आए हैं, उन्हें बचाव करने लगे। देखिए, जिस तरीके से रमेश भिदुड़ी जी ने संसद में ऐसा बयान दिया है, ये बिल्कुल भी उनको शोभा नहीं देता और ये दर्शाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। इस तरीके से भाषण देना बिल्कुल ही गलत है, और आप जिस तरीके से दानिश अली पीड़ित हैं, उनसे एक बार भी भाजपा के किसी सांसद ने, किसी नेता ने संवेदना व्यक्त नहीं की एक बार भी, ये दर्शाता है बीजेपी की मानसिकता को। और अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से कार्य करती रही और कार्य करती है, तो इस देश का लोकतंत्र खतरे में है और नई संसद में बीजेपी और तमाम लोग कह रहे हैं कि दानिश अली की हरकतों पर उन्हें रमेश भिदुड़ी को गुस्सा आ गया। वो ऐसा नहीं कहते, उन्होंने गुस्सा दिला दिया इसलिए वो कह गए। अगर दानिश भिदुड़ी जी अच्छी बात कह रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं खुलकर, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। और आप, शर्म की बात तो ये है, जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन जी पीछे हंस रहे थे ठहाका मारकर, ये दर्शाता है कि भाजपा का हाई कमान की थिंकिंग क्या है, क्या सोच है बीजेपी की हाई कमान की। वो कह रहे हैं हमें जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, हम इन चीजों में नहीं हैं। आप हंस क्यों रहे थे पीछे, आप रोक भी तो सकते थे सांसद जी। उन्हें क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा था कि वहाँ क्या चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब भटकाने की बात है। राजनाथ सिंह को भी नहीं सुनाई दिया था, फिर भी उन्होंने माफी मांगी। उनको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, इसलिए माफी मांगनी पड़ी उनको। अब तो माफी मांग ली तो अब छोड़ देना चाहिए ना। नहीं, ये कह रहा हूँ, बेवकूफ़ बनाने वाला बयान क्यों दे रहे हैं बार बार। माफ़ी मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर भी माफ़ी मांग रहे हैं, ये राजनाथ सिंह को शोभा देता है? आप मुझे बताइए, एक सांसद होने के और मंत्री होने के तौर पर उन्होंने अपनी अच्छाई दिखाई कि उन्हें सुनाई नहीं देता था, फिर भी माफ़ी मांग ली, विवादों पर विवाद शांत हो जाए अब। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मुद्दे को भटकाने की बात थी। अगर इतने ही हमदर्द हैं दानिश अली जी के, तो आज पीड़ित हैं, वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं। क्या बीजेपी ने एक बार भी संवेदना व्यक्त की उनके प्रति? एक बार भी संवेदना व्यक्त नहीं की। अरे, बीजेपी कह रही है कि उनकी हरकतें अच्छी नहीं हैं। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं, उस बीच वो टीका टिप्पणी करते हैं और हर किसी को गुस्सा आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दानिश अली जी अपनी बात रख रहे थे अच्छी तरीके से। रमेश भिदुड़ी जी का उन्होंने थोड़ा विरोध किया, ऐसा ये संसद में होता रहता है। प्रधानमंत्री गृह मंत्री जब भाषण दे तो उस बीच में टोकना नहीं चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, रमेश भिदुड़ी जी जब अपनी बात कह रहे थे, उन्होंने भी चंद्रयान पर अपनी बात रखी, रमेश भिदुड़ी भी चंद्रयान पर बात रख रहे थे अपनी, तो उन्होंने बीच में टोका, तो इस वजह से इसी बस यही कारण के ऊपर कटुआ मुल्ला कह दिया, इतनी बदतमीजी से बात की। तो कह रहे गुस्से में निकल गया, वो ऐसी हरकतें जो है नहीं करते हैं आमतौर पर, गुस्से में निकल गया। अभी मैं चाहता हूँ कि अगर गुस्से में निकल गया तो गुस्से में उसे डिस्क्वालीफाई भी कर दीजिए,
बीजेपी से मेरी मांग है, चेतावनी दे दी गई है, उनको डांट फटकार लगा दिया गया है, ऐसा इस बात पर अगर ऐसी बातों पर चेतावनी दी जाती जाने लगी तो संसद की गरिमा का क्या रहे, क्या होगा आने वाले समय में? आज अगर चेतावनी दी है तो कल को ये गाली देगा, इसको कब तक सहा जाएगा संसद के अंदर? नए भारत की, नए सदन की नई तस्वीर है ये। ये बिल्कुल, ये नए भारत के, नए सदन की नई तस्वीर है। महिला रिजर्वेशन बिल था, पहले दिन और दूसरे ही दिन भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी ने अपना चरित्र दिखा दिया। क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था कि नए सदन में लोग नेताओं की भाषा बिहेवियर दर्शाएगा कि वो किस ओर जाएंगे, तो ये किस ओर जाते हुए दिखाई दे? ये दर्शा रहा है बीजेपी की मानसिकता को, मुसलमानों के खिलाफ कट्टरता को दर्शाता है। एक बीजेपी तो मुसलमानों के हित की बात कर रही है, पसमानदा मुसलमानों के लिए इतना कुछ करने की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बरगलाने वाली बातें हैं। बीजेपी कुछ भी नहीं कर रही है मुसलमानों के खिलाफ। इस अगर पसमानदा मुसलमानों के लिए करती तो दानिश अली जी, एक सम्मानित सांसद के खिलाफ इतनी बदतमीजी से, मैं वो शब्द बोल नहीं सकता आपके सामने जिस बदतमीजी से उन्होंने बोला है। ये संसद की गरिमा को बिल्कुल नकारने की बात है। और अगर मोदी जी की बात को रमेश बिधूड़ी काटता है, फटकार तो लगा दी है ना, अब क्या चाहते हैं भाई? हम सस्पेंड चाहते हैं उसका, दानिश अली जी उसका, रमेश बिधूड़ी का सस्पेंड चाहते हैं। वो नहीं करना चाहते, डांट फटकार लगा दिया है, एक बार डांट दिया। ऐसा कुछ नहीं, हम उसका सस्पेंशन चाहते हैं दानिश अली जी का, और उनके ऊपर इंक्वायरी हो। आप लोग सस्पेंशन चाहते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि डांट फटकार लगा दी गई है, वो सुधर जाएंगे। देखिए, डांट फटकार लगाने से अगर मामला बढ़ता और मामला अगर बनता इस चीज़ से, तो डांट फटकार से कब का सॉल्यूशन हो गया होता। आप देखे होंगे कि पिछले कुछ महीनों में जो बिल लाया जा रहा था जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के सांसद आवाज़ उठा रहे थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया। संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिया गया और टीएमसी के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, क्यों? उस बिल का विरोध कर रहे थे। कोई भी अशोभनीय भाषा, अमर्यादित भाषा का प्रयोग उन्होंने नहीं करा, सिर्फ आवाज उठाने की वजह से आपको सस्पेंड कर दिया। तो कह रहे कोई तो बात होगी रमेश बिधूड़ी में कि नहीं किया जा रहा है सस्पेंड। सुनिए, बात कुछ नहीं है, बात यह है कि मोदी चाचा बैठे हुए ताकत में, समझ रहे ना? अब मोदी चाचा ये चाहते हैं कि उनका जो बात है, जो भाजपा का जो होता है ना, एक जो सड़क पे जैसे जो आम जनता जो बोलती है, जो भाजपा के संघी माइंडसेट के लोग बोलते हैं, वही चीज सदन में आ जाए। अगर जो सड़क पे जो गली कूचे के जो लौंडे बोलते थे, अगर वो बात सदन में बोली जा रही है एक सांसद के द्वारा, जाहिर से बात है कि गली कूचे में जो मॉब लिंचिंग होती है, सड़क पे जो मॉब लिंचिंग होती है, तो क्या आप उसको भी पार्लियामेंट में करवाओगे मॉब लिंचिंग? ओवैसी ने कहा है कि अब पार्लियामेंट में मॉब लिंचिंग होगी, ये समय ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, ओवैसी जी जो कह रहे हैं उनका अपना सोच हो सकता है, लेकिन बीइंग अ लॉ फैकल्टी स्टूडेंट, मेरा नाम अन्नान, मैं लॉ फैकल्टी का हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ अगर बिधूड़ी जी को सस्पेंड नहीं किया गया तो जाहिर से बात है कि ओवैसी जी का कथन कहीं ना कहीं कभी ना कभी सच हो सकता है। कभी ना कभी मुस्लिम सांसदों पर हमला हो सकता है। अगर मुस्लिम सांसदों को आप नाम लेके अशोभनीय भाषा का प्रयोग करोगे तो कहीं ना कहीं ये वो दिन दूर नहीं है कि वो हाथापाई भी कर लेंगे, मारे जाएंगे। लेकिन तमाम जो सांसद विधायक हैं, नेतागण हैं जो बीजेपी के, वो उनको डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गुस्सा दिला दिया। आमतौर पर ऐसा रमेश बिधूड़ी नहीं करते, दानिश अली ने गुस्सा दिला दिया, टीका टिप्पणी करते हैं भाषण में, इस वजह से उनको गुस्सा आया, उन्होंने बोल दी। रमेश बिधूड़ी जी के बाप का संसद है क्या कि गुस्सा आ गया है? गुस्सा उनका पर्सनल इशू है, पर्सनल इशू है। घर पे अपना गुस्सा दिखाओगे कि संसद में अपना गुस्सा दिखाओगे? संसद में क्या अकेले घुस गए हैं कि उनको जनता ने वोट दिया है, है कि नहीं? तो अपना गुस्सा मान लीजिए उनकी बीवी से लड़ाई झगड़ा हुआ तो बीवी का भी गुस्सा संसद में उतारेंगे? हाँ, घर में बाल बच्चों का भी गुस्सा संसद में उतारेंगे? गुस्सा आपका पर्सनल इशू है, उसको आप घर पे रखिए कि सदन में लाइए। गुस्सा दानिश अली ने दिलाया ना? नहीं, दानिश अली ने क्या अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया बिधूड़ी जी के लिए? जो बिधूड़ी जी ने ऐसा बात उनको बोला, बीच भाषण में नहीं बोलना चाहिए उन्हें। अरे भाई, तो बीच भाषण में हम अगर टोक देंगे किसी को तो आपका फर्ज क्या बनता है कि आप हम गाली दे के बैठाओगे कि आप उसी तरीके से बात करोगे? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के भाषण में भी वो टोका टिप्पणी करते रहते हैं भाई, तो वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है भाई, सदन में है, वो भी सांसद है, वो बोलेंगे, जहाँ पे गलत होगा वहाँ पे टिप्पणी करेंगे। टिप्पणी करने का ये मतलब थोड़ी है कि आप पूरे कौम को गाली बकोगे। दिक्कत होती है ना भाषण देने में, तो भाषण अगर गलत बोलोगे तो उसमें टीका टिप्पणी तो लोग करेंगे ही। टीचर अगर गलत पढ़ाते तो स्टूडेंट टोकता है कि नहीं टोकता है लॉ फैकल्टी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पूरे कॉलेज में? आप कोई राजा नहीं ना हो,
कि आपको कोई टोकेगा नहीं, आप जनता के द्वारा चुने गए नेता हो, जनता के द्वारा चुने गए नेता दानिश अली भी है, उनको भी बराबर हक बनता है बोलने का, और आप इतने बड़े गुंडा बन गए हैं कि सदन में आके कुछ भी बोल दोगे। अगर रमेश बिधूरी सस्पेंड नहीं हुआ तो इससे ये साफ पता चलता है कि भाजपा की ऑफिशियल बयान है जो रमेश बिधूरी ने दिया है, ये तय मानिए। जाहिर तौर पर तमाम लोगों में गुस्सा है, पूरे देश में गुस्सा है, हर किसी के अंदर यही सवाल है कि अगर इतनी बड़े जघन्य अपराध करने के बाद किसी को समुदाय को लेकर गाली देना, उसे टारगेट करना और उसके बाद भी सस्पेंशन ना होना, हर किसी के मन में सवाल है और गुस्सा है। पूरी बातचीत पर, इस पूरे प्रक्रिया पर आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी।